किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी जी बक्कल तारने की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लखनऊ पहुंचे तो योगी गोरखपुर भाग गए। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे इको गार्डन धरना स्थल। किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। प्रदेश के कई जिलों से पहुंचे हैं किसान। किसानों का कहना है जब तक पार्लियामेंट में कानून रद्द नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसानों के परिजनों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए व परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देने की कर रहे हैं मांग। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। तो सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा है कि हम जो है उस पर कमेटी बनाएंगे, उस पर विचार करेंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे उस पर। एक्सपर्ट क्या करेंगे, किसान है ना, इसका कम रेट में क्यों बिक रहा है, एक्सपर्ट क्या करेगा उसमें। कमेटी तो बड़ी हुई है 2011 में, ये जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए। भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी, उसके हेड मोदी जी थे जब ये मुख्यमंत्री थे जी। वह कमेटी थी, उसने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि MSP पर गारंटी कानून बनना चाहिए और उस रिपोर्ट को लागू कर दो। आज ये प्रधानमंत्री है, अपनी ही रिपोर्ट को लागू जी। नरेंद्र मोदी आपसे सहम गए हैं, पहले आपको कहते थे कि अगर उनके समर्थक की अभी अब लखनऊ जाओगे तो बक्कल उतर जाएगा, आपका ही वो डायलॉग कॉपी करते हैं। हाँ, ये कॉपी कर ले भाई, चोरी करे ये, आज चोरी करे। और अब जो है आज दूसरी बार आप लखनऊ में हैं, लेकिन इतना जन समर्थन आपको मिल रहा है। अरे जनता की आवाज है ये, आधे रेट में अपनी फसल बेच के आ रहे, कहाँ बेचे। टिकैत जी, साक्षी महाराज ने कहा है कल जो उनके जो समर्थक है, क्योंकि वो मायूस हो गए हैं, आप लोगों की बातें मान ली गई। अच्छा। वो मायूस हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिल तो आते जाते रहेंगे, फिर आ जाएगा बिल, आप लोग हट जाओगे तो फिर उनका समर्थन क्यों कर रहे बिलों का। ये कलराज मिश्र ने भी कहा है, साक्षी महाराज समर्थन क्यों कर रहे हैं बिलों का, बिल का समर्थन तो कर रहे हो भी नहीं। ऐसा कुछ होता है कि फिर से ले आते हैं रद्द करने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि साक्षी महाराज अगर जमीन बो रहे हैं, उनका साक्षी महाराज के आश्रम में जनरेटर का 1 साल का है, अगर 10 साल का है तो ठीक है भाई, और 10 साल से पुराना है तो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे भी। गाड़ी के 1 साल पुरानी साक्षी महाराज की, साक्षी महाराज का अगर 1 बीघा खून हो तो फसल कहाँ बेचता है, उसका रेट क्या है। राकेश जी, ज्यादातर जो मेनस्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं, आपको चुनाव लड़ाने में बहुत दिलचस्पी है। अब क्या वो नहीं लड़ाओगे अब चुनाव नहीं। नाविका ने आपको बोला तो आपने उनको बोला, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, टिकट दिलाओगे उनको, उनको टिकट दिलाओगे, टिकट से आओ बताओ उन्हें टिकट। मतलब आप ये कह रहे हैं आज लखनऊ से कि जितने भी एंकर हैं सबको टिकट दिलवाएंगे, जिन जिनको चाहता हूँ हमें बता दो, सबको टिकट, सबको टिकट मिलेगा। लेकिन